दो प्रकार की प्रगति होती है, एक तो आदि भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो भी प्रगति है वो प्रकृति जन्य शरीर तक सीमित है, उसका विकास कितना भी विकास हो जाए शरीर तक सीमित है, आदि भौतिक प्रगति। और आध्यात्मिक प्रगति स्व की प्रगति है। तो शरीर प्रकृति का है तो बाहर की कितनी भी उन्नति हो जाए तो पर की उन्नति हुई, और आध्यात्मिक उन्नति स्व की हुई। समाधि भी करेंगे तो योग्यता आएगी, सामर्थ्य आएगा, लेकिन आएगा पर के राज्य में, प्रकृति के राज्य। विश्वामित्र के पास ऐसी शक्ति आई कि आह, त्रिशंकु को स्वर्ग से गिरते देखा और तत्रैव तिष्ठ, वहीं रुक जाओ, तपोबल से रुक गए। लेकिन वशिष्ठ जी के स्व के सत्संग के आगे विश्वामित्र की तपस्या बोनी होगी। तुकाराम महाराज ने आखिरी में कितनी ऊंची अनुभूति की बात कही, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे मना तुम्हें शोध नहीं पाए। उस महासंत ने गहरी यात्रा करते करते आखिर खोजा, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। आकृति में मत उलझो, प्रकृति में मत उलझो, विकृति में मत उलझो। आकृति प्रकृति विकृति जिसकी सत्ता से आके बदल जाती वह परमात्मा है। और जीवन ऐसा नहीं है कि आप साधु बन गए अथवा आप कुछ हो गए तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी अथवा आपके साथ कहीं अन्याय नहीं होगा। ये न्याय अन्याय समस्या और सफलता ये तो प्रकृति के राज्य में खेल होता ही रहेगा। लेकिन आप अपने से अन्याय ना करो, जीते जी मुक्त रहो। परिस्थितियों का प्रभाव, अन्याय तो कोई आपसे करे और परेशान आप रहे नहीं, तो न्याय कैसे पाए। न्याय पाने का तरीका होता है, कभी कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ता है, कभी रजूआत के द्वारा मिलता है, कभी दूसरे सात्विक उपाय के द्वारा मिलता है। और न्याय अपने साथ अन्याय नहीं हुआ तो बाहर कितना भी अन्याय हो जाए मंसूर सुकरावत के आगे फिर भी वे दुखी नहीं हुए, और हमारे साथ कितना भी अच्छा सलूक रहे फिर भी हमने अगर अपने साथ अन्याय किया तो हम फरियाद करते रहेंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इसी का नाम तो दुनिया है बेटे। समत्व योगम उच्चते है, हर परिस्थिति में अपने अंतःकरण की स्थिति वही रखो, उठत बैठत वही उठाने, कत कबीर हम उसी ठिकाने। तो अपने आत्म ठिकाने से नीचे ना आए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचानक कोई। राग द्वेष सुबह शाम संयोग वियोग जन्म मृत्यु ये सब दो पाठ हैं, इसमें सब पीछे चले जा रहे हैं सतबुद्धि करके, लेकिन वास्तव में सत है ही नहीं। हो के बदल रहे ने, तीन सत्ता होती, एक जागृत की सत्ता, दूसरी स्वप्न की सत्ता, तीसरी वास्तविक सत्ता। ये जागृत सत्ता है, इसमें लगता है कि ये सब सच्चा है, लेकिन इस सत्ता में से स्वप्ने की सत्ता में गए तो लगेगा ये सच्चा है, लेकिन जब सपना देखते तो वहाँ न्याय अन्याय सच्चा लगता है, आँख खुली तो व्यर्थ, और यहाँ आते तो ये सच्चा लगता है। लेकिन ये दोनों प्रतिभासिक, एक वो सपना है दूसरा प्रतिभासिक। वास्तविक सत्ता नित्य है, वो परमात्मा सत्ता है, उसमें टिकने के लिए मनुष्य जन्म की बुद्धि है, इसीलिए मनुष्य मरते समय खूब पछताता है।
सर धुनि धुनि पछतावे, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावे। तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो न तरई भव सागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्महन अधोगति जाई। वो कृतघ्न है, निंदनीय है, मंदमति है, आत्मा त्यारा है, अधोगति को जाएगा। अधोगति क्या है? नीच योनि में जाना भी अधोगति है, और फिर से जन्म लिए और माँ के गर्भ में आए, गर्भ नहीं मिला तो नालियों में बहा, तो क्या उर्ध्वगति हो गई क्या? और ये तो नास्तिक को भी मानना पड़ता है कि गर्भ नहीं मिला तो वो जीव नाली में बहता है, गटर में जाता है। मेरे दो भाई हैं, लेकिन कैसे वे मेरे पिता के शरीर से पैदा हुए? तो और कई मेरे भाई नाली में बह गए, ये मुझे मानना पड़ेगा। मेरा दो बेटा है तो और कई बेटे मेरे बह गए, ये मुझे मानना पड़ेगा। चाहे मैं ईश्वर को मानूं चाहे ना मानूं, लेकिन इस व्यवहार को तो मानना ही पड़ेगा। तो जहाँ जन्म है वहाँ षड विकार भी है, जन्मता है, बढ़ता है, रुग्ण होता है, विकार होता है, वृद्धत्व आता है और मौत होती है। ये षड विकार वाले शरीर के साथ जब तक मैं मेरा बना रहेगा, तब तक प्रकृति के राज्य में भटकता रहेगा, बंधन में पड़ा रहेगा। और इस शरीर की सत्ता जिससे है उसके तरफ मुड़ गया तो मौज हो गई, परमात्मा के राज्य में पहुंच गया, फिर निर्लेप हो जाएगा। फिर चाहे सारी दुनिया यशगान करे तो भी आपका कुछ बढ़ने वाला नहीं, और सारे लोग निंदा करके आरोपों पे आरोप करके उल्टे होके टंग जाए तभी भी आपका कुछ घटने वाला नहीं, वो परमात्मा राज्य। प्रकृति के राज्य में तो जरा जरा बात में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें हो जाऊंगा ना। अरे भाई तेरा एक कख भी नहीं घटता है, और सब कुछ मिलने से तेरा एक तिनखा भी नहीं बढ़ता है, तू वो चीज है। स्वर्ग का राज्य मिल जाए तभी भी तेरे को कोई लाभ नहीं है, वास्तव में तो वो अमर आत्मा है चैतन्य। यत पदम प्रेप सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र अपने को कभी कभी रांक समझता है कि अप्सराएं नाचे तब मैं सुखी हूं, राज्य बना रहे तब मेरा वजूद, और ये जो मिला है वो तो छूटने वाला ही है। ऐसी कौन सी चीज है जो मिली और छूटे नहीं? आपका हमारा तो क्या मठ मंदिर आश्रम या मकान घर है? अरे 60,000 वर्ष जिनको निष्कंटक राज्य करने के वरदान मिले हुए हिरण्यकश्यपु का हिरणपुर कहाँ है? रावण की लंका कहाँ है? ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, मनुष्य से न मरूं, देव से न मरूं, दानव से न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं तो चौकट पे मर। मनुष्य से न मरूं, देव से न मरूं, दानव से न मरूं तो नरसिंह अवतार से मर। अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं तो नाखूनों से मरना पड़ा। तो जिसका पैदा होता है प्रकृति के राज्य में उसका तो अंत होता है, जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग होता है। तो मनुष्य एक ऐसी भूल में है कि भगवान ने तो दुनिया बनाई लेकिन हम सुधारक हैं, कुछ सुधार कर ले। अगर सुधार करना है तो सीधा गणित है कि आप परमात्मा के राज्य में आओ, फिर आपके द्वारा सही सुधार होगा। और प्रकृति के राज्य में रहकर आप सपने में कितना भी सुधार किया वो जागृत में नहीं आएगा। ऐसे ही इस दुनिया को सत्य मानकर कितना भी सुधार किया आखिरी मृत्यु समय आपको संतोष नहीं रहेगा। दुनिया तो ऐसी की ऐसी रहेगी। त्रेता में श्री राम जी आए, सुधार किया, खूब सुधार किया, पद पद पे सच्चाई से। और राम जी गए तो फिर द्वापर आया, क्या सुधार टिका। फिर द्वापर में कृष्ण आए, हाँ चला तो कृष्ण गए, सुधार वधार जो भी करो, तो फिर और कलयुग आया। तो
तो ये तो प्रकृति में चलता ही रहेगा, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। लौकिक व्यवहार में तो अगर सकामता है तो नश्वर चीज की प्राप्ति की वासना बढ़ते बढ़ते लोभी हो जाएगा, कामी हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, मोही हो जाएगा और विकारों का खिलौना बन जाता है। जिनको भौतिक वासना है उनके संपर्क में साधक को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। और जिनको आध्यात्मिक रुचि है उनका सत्संग करने में साधक को बड़ा तत्पर रहना चाहिए। एक जगह मोम जैसा, दूसरी जगह पत्थर जैसा बने। जैसे पत्थर पे पानी पड़े तो उसमें नहीं घुसता है, ऐसे ही बाहर जब व्यवहार करें तो दृढ़ता, बाहर की परिस्थिति विकार किसी की गंदी आदत अपने में नहीं घुसे। और जब गुरु के चरणों में बैठे तो पिघली हुई मोम जैसा, मोम में जैसा रंग डालते वैसी मोमबत्ती बन जाती। ऐसे ही संत जनों के चरणों में बैठे तो जो उनका परमात्मा प्रेम, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा अनुभव है वो रंग हमारे हृदय को लग जाए। और संसार में व्यवहार करे तो कोई कामी है, क्रोधी है, उनका रंग हमको नहीं लगे। इसको बोलते हैं योग कर्म सुकौशल। कुशलता ये नहीं कि किसी को ठग लेना, कुशलता ये है कि आकर्षणों में विकारों में न गिरना, जल में रहते जल से निर्लेप। भोगियों के बीच रहते भोग आकर्षण से निर्लेप। जैसे माई सड़क पर रहती है पनिहारी, चलती है, बात भी करती है, फिर भी घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा, तो मुख्य वृत्ति घड़े संभालने में, गौण वृत्ति से सड़क भी दिख रही है और बात भी चल रही है। ऐसे ही साधक मुख्य वृत्ति आदर सहित ब्रह्म में लगा है। और व्यवहार जब करे तो बराबर तत्परता से करे। हे राम जी सूरमा होकर युद्ध कर, युद्ध जैसा गौर कर सूरमा होकर युद्ध कर, लेकिन हृदय में शीला की नहीं। तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है और भगवत प्राप्ति के बिना कोई चारा नहीं है। कुछ भी मिल जाए, कुछ भी प्राप्त कर ले, छूट जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के राज्य में है और आत्मा परमात्मा अच्युत है, शाश्वत है, नित्य है।